गुड इवनिंग स्टूडेंट, आज हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे जो कि हमारे नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दो हिस्सों में डिवाइड है, एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा है पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दो तरह का है, एक है सिंपैथेटिक और दूसरा है पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब क्या होता है, देखिए ये हमारा ब्रेन हुआ, ये मिडल ऑब्लॉन्गेटा का एक्सटेंशन हुआ, स्पाइनल कॉर्ड बन गया। अब जो स्पाइनल कॉर्ड है इसका हमने TS लिया, दिस इज अ ट्रांसफर सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ये वेंट्रल पार्ट है जहाँ पर आपको मेडियन फिशर दिख रहा है, ये वेंट्रल पार्ट है, सॉरी ये डॉर्सल पार्ट है पीछे वाला, ये वाला जो पार्ट है ये डॉर्सल साइड है और ये वाला वेंट्रल साइड है। हमने स्पाइनल कॉर्ड की एनाटॉमी से पहले के लेक्चर में देख ली है, अगर आपको चाहिए तो वीडियो लिस्ट पे जाके देख लीजिए। तो क्या हो रहा है, मेडुला ऑब्लॉन्गेटा से न्यूरॉन आ रहे हैं, यहाँ से न्यूरॉन कंटिन्यू आ रहे हैं, तो इस तरह से न्यूरॉन आ रहे हैं और न्यूरॉन का साइटॉन जो है वो सेंटर में है, इसलिए स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ग्रे मैटर होता है और बाहर वाइट मैटर होता है, क्योंकि न्यूरॉन का जो एग्जॉन है, ये न्यूरॉन जो आ रहा है इसका जो एग्जॉन है ये आउटसाइड है और सेंटर में साइटॉन है। यहाँ पे मिलियंस ऑफ न्यूरॉन है इसलिए ये ग्रे मैटर दिखा रहा है, यहाँ पे मिलियंस ऑफ एग्जॉन्स है इसलिए ये वाइट मैटर दिखा रहा है। क्या हो रहा है, मिडुला ऑब्लॉन्गेटा से यहाँ पे भी न्यूरॉन आ रहा है, ये न्यूरॉन हमारे इस न्यूरॉन से कनेक्ट हो रहा है, उसी तरह यहाँ पे भी न्यूरॉन आ रहा है मिडुला ऑब्लॉन्गेटा से और यहाँ से मिलियंस ऑफ न्यूरॉन निकल रहे हैं। अब मिलियंस ऑफ न्यूरॉन निकल रहे हैं तो ये हो गया डॉर्सल रूट और ये वाला जो पार्ट हुआ ये हो गया वेंट्रल रूट। मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, इसके पहले लेक्चर में हमने डॉर्सल रूट वेंट्रल रूट क्या है ये सब देख लिया। वेंट्रल रूट से आने वाले न्यूरॉन और डॉर्सल रूट से आने वाले न्यूरॉन एक जगह पर मिक्स होते हैं और मिक्स नर्व बनाते हैं और यहाँ से फिर से निकल जाएंगे, इसको हम रैमस क्या बोलेंगे बताइए, डॉर्सलिस, और इसको हम बोलेंगे रैमस वेंट्रलिस। तो रैमस डॉर्सलिस रैमस वेंट्रलिस समझ में आ गया, जो डॉर्सल साइड में निकल रही है उसको हम रैमस डॉर्सलिस बोल रहे हैं, जो वेंट्रल साइड में हो रहे हैं उसको हम रैमस वेंट्रलिस कह रहे हैं। अब देखिए एक न्यूरॉन यहां से आ रहा है, आते तो मिलियंस ऑफ न्यूरॉन है, हम एक कंसिडर कर रहे हैं ये न्यूरॉन, देखिए ये वाला, यहां से दूसरा न्यूरॉन जा रहा है उसको कनेक्ट हो रहा है इस तरह से, ऊपर से एक न्यूरॉन आ गया ये इसका साइटॉन, यहां से एग्जॉन टर्मिनल से जिसको हम नर्व एंड बोलेंगे यहाँ से दूसरा न्यूरॉन कनेक्ट हो रहा है, ऐसे यहाँ पे हो रहा है कि ऊपर से एक न्यूरॉन आया यहाँ से दूसरा न्यूरॉन कनेक्ट हो रहा है, कनेक्ट होने के बाद ये न्यूरॉन ये नर्व यहाँ से निकल गई। मतलब नर्व क्यों मैंने कहा, क्योंकि मिलियंस ऑफ न्यूरॉन ऊपर से आ रहे हैं और मिलियंस ऑफ न्यूरॉन यहाँ से होके निकल रहे हैं, कन्फ्यूज मत होइए, कुछ न्यूरॉन यहाँ से आ रहे हैं सीधा, दूसरे न्यूरॉन यहाँ से उसको ही कनेक्ट होकर निकल जा रहे हैं, कुछ न्यूरॉन यहाँ से कनेक्ट होकर निकल रहे हैं जिसको हमने डॉर्सल और वेंट्रल रैमस बोल दिया। अब मेडुला ऑब्लॉन्गेटा से कुछ न्यूरॉन आए हैं, कुछ ग्रुप्स ऑफ न्यूरॉन सीधे चले और यहां से निकल गए, हम इसको बोलेंगे रैमस कम्युनिकेंस, हमने स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर में देखा। अब जो हमारा सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कैसे होता है, देखिए फिर से मैं ब्रेन ड्रॉ कर रहा हूं, ये हो गया दो फिशर, बताइए कौन थे, राइट हेमिस्फीयर लेफ्ट हेमिस्फीयर लॉन्जिट्यूडिनल फिशर कॉर्पस्कुलरिज्म, यहाँ पे आ गया लेटरल वेंट्रिकल फोरमैन ऑफ मनरो, फोर्थ वेंट्रिकल, देन इटर, उसके बाद थर्ड वेंट्रिकल, सीधा ब्रेन आ गया सारा के सारा, लास्ट वाला जो पार्ट है वो है हमारा मिडुला ऑब्लॉन्गेटा और यहाँ से एक्सटेंशन होके आ गया स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है आ गया स्पाइनल कॉर्ड, यह हमारा ब्रेन सेंट्रल फोर ब्रेन मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। अब देखिए क्या हो रहा है,
ये जो स्पाइनल कॉर्ड हमने देखा कि यहाँ से डोर्सल नर्व निकल रही है, यहाँ पे वेंट्रल रूट निकल रहा है, डोर्सल रूट वेंट्रल रूट यहाँ पे मिक्स हो रही है, दिस इज अ रैमस कम्युनिकस, यहाँ से रैमस कम्युनिकस निकल रहा है, यहाँ से डोर्सलिस और यहाँ से वेंट्रलिस, इसी तरह से ठीक है। फिर से यहाँ से नर्व निकली डोर्सल साइड में, वेंट्रल साइड में मिक्स नर्व बन गई, रैमस डोर्सलिस, रैमस वेंट्रलिस एंड रैमस कम्युनिकस। मैं कुछ ही नर्व ड्रॉ करूँगा, ठीक है, रैमस कम्युनिकस। अगर आपको स्पाइनल कॉर्ड नहीं समझा, ये वीडियो देखने से पहले स्पाइनल कॉर्ड जरूर देख लीजिए, तो ही ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए मैं कुछ ही ड्रॉ कर रहा हूँ, बताइए स्पाइनल कॉर्ड से कितने नर्व निकलती है, कितने निकलती है 31, और ब्रेन से कितने निकलती है 12 क्रेनियल नर्व, ठीक है। अब देखिए, अगर हम सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करें, तो ये हो गया हमारा हेड लगभग, चलिए ये हेड हो गया, ये शोल्डर जैसा स्ट्रक्चर आ गया, नेक जैसा, और ये हमारा शोल्डर जैसा स्ट्रक्चर आ गया, ये हमारे हैंड जैसा आ गया। डायग्राम इतनी खास नहीं है, लेकिन फिर भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, मुझे यकीन है कर सकते हो ना, बिल्कुल कर सकते हो। चलिए, यहाँ पे सिंपैथेटिक नर्व कॉर्ड होती है गैंग्लियॉन्स की। देखिए मैंने क्या कहा, सिंपैथेटिक नर्व कॉर्ड ऑफ गैंग्लियॉन, किसे कॉर्ड है, नर्व कॉर्ड है सिंपैथेटिक गैंग्लियॉन की। गैंग्लियॉन इज अ ग्रुप ऑफ न्यूरॉन, तो यहाँ पे एक कॉलम जैसे, एक कॉलम के फॉर्म में दोनों साइड में स्पाइनल कॉर्ड के, पीठ की तरफ से स्पाइनल कॉर्ड के एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में, सेंटर में स्पाइनल कॉर्ड आ गया, वर्टिब्रल कॉलम आ गया, वर्टिब्रल कॉलम के एकदम फॉरमैन ऑफ वर्टिब्रल से स्पाइनल कॉर्ड आ गया, दोनों साइड में कॉलम ऑफ सिनेप्टिक कॉर्ड, सिनेप्टिक कॉर्ड के कॉलम है दोनों तरफ, तो ये रैमस कम्युनिकस जाके इसके अंदर मिल जाती है, इसके अंदर रैमस कम्युनिकस मिलेगी, ये रैमस कम्युनिकस, ठीक है। कई सारे रैमस कम्युनिकस हर जगह से निकलते हैं, मैंने तीन ही बताया, ये साइड में तीन बताया, ये साइड में भी तीन बताया, आप कई सारे बता सकते हो। अब ये नर्व कॉर्ड पे जाके मिली, अब ये नर्व कॉर्ड से क्या होगा बच्चों, स्टूडेंट, कि ये हर ऑर्गन तक, विसरल ऑर्गन तक के जाएगी, जैसे कि ये हो गया हमारा स्टमक, किडनी, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, यहाँ तक के नर्व्स जाएंगी, इंटेस्टाइन, सारी तरफ ये नर्व जाएंगी, और क्या रिलीज करती है, एड्रिनलिन, न्यूरोट्रांसमीटर एड्रिनलिन, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइट फेयर एंड फ्लाइट मैकेनिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आ जाते हैं पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम, इसकी जो नर्व है इसके अंदर कोई भी सिंपैथेटिक कॉर्ड नहीं होता, कोई कॉर्ड नहीं होता, ये क्रेनियल रीजन से लगभग क्रेनियल नर्व के साथ साथ निकलती है यहाँ से, और डायरेक्ट ऑर्गन तक के पहुँचती है, विसरल ऑर्गन तक पहुँचती है। देखिए मैंने कहाँ से बताया, यहाँ से लगभग, ये पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है, वहाँ से निकल रही है, और कुछ जो होती है यहाँ से दिखा दो, सैक्रल रीजन से निकलती है, कमर के पास से। कुछ नर्व जो है इसकी कहाँ से निकल रही है, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स कहाँ से निकल रहे हैं, सैक्रल रीजन से निकल रहे हैं। क्या रिलीज करता है ये वाला पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इट रिलीज द एसिटिलकोलीन। क्या है एसिटिलकोलीन, एक न्यूरोट्रांसमीटर है जिसका एसिटेट माइटोकॉन्ड्रिया से आता है और कोलीन डाइजेस्टिव सिस्टम से आता है, दोनों मिलके एसिटिलकोलीन बनाते हैं। तो हमने इस वीडियो में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में सीखा, इसको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इसलिए बोलते हैं, ये ऑटोमेटिकली कुछ इनवॉलंटरी ऑर्गन्स पे कंट्रोल करता है। चलिए
ये वीडियो आप गौर से देखिए, एक बार में नहीं समझ में आया बार बार रिपीटेशन करके देखिए। थैंक यू।